अरे भाई जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मालिक 3 साल के बाद मुंबई से यहाँ आ रहे हैं, उनके आने से पहले हवेली एकदम चकाचक दिखनी चाहिए। हाँ हाँ, भले ही खुद कितने गंदे दिखो, हाल तो देखो अपने, मालिक मालकिन का आने का वक्त हो गया है, हाथ मुंह धोकर कपड़े तो बदल लो। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, सवेरे से आकर याद नहीं दिला सकती थी? सुबह से तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप मेरी बात सुनते कहाँ हो, कभी मालिक का कमरा, कभी मालिक की अलमारी। तू मुझसे कह रही है, तू नहीं कल से मालकिन आएंगी तो उनके लिए ये बनाऊंगी, मालकिन को इस बार ये बनाकर खिलाऊंगी। हाँ हाँ ये तो है, अब चलो चलो। मालिक आएंगे। अरे कपड़े तो बदलते जाओ। कोई किसी के पैर नहीं छुएगा। सुना नहीं साहब ने क्या कहा? शिवलाल तुम नौकर नहीं हो, मेरे भाई जैसे हो, आओ। कैसी हो पालू? मैं ठीक हूँ। कितने दुबले हो गए हो शिवलाल, क्यों रे खाना नहीं देती क्या उसे? मैं तो कब से कह रही हूँ कि दूसरी ले आओ, अब ये चूल्हा चौका मुझसे नहीं होता। तुम दोनों का प्यार वैसे के वैसा है ना। अरे भाई देख क्या रहे हो, फटाफट सामान लेकर अंदर चलो। मालिक हाँ? इन लोगों को एक दिन के लिए साफ सफाई के लिए बुला लिया था। आयला तुमने जो कुछ भी किया सब ठीक किया। अरे इस हवेली के असली मालिक तो तुम हो। अरे हम तो बस मेहमान हैं जो कभी कभी आ जाते हैं। चलिए मालिक। हाँ, हाँ। बच्चों की रामलीला में मैं लक्ष्मण बनता था और रमेश भाई राम बनते थे। बापूजी ने अपने हाथों से बनाया था ये मेरे लिए। क्या दिन थे वो, भरा पूरा घर, बापूजी के चाचा जी, उनका परिवार, मेरे अपने तो चाचा जी, दो बुआएं और भी एक दो रिश्तेदार रहते थे, और बच्चे कितने सारे थे इस घर में। मालिक आपके बच्चे परिमल बाबू, निरंजन बाबू, राहुल, समीर सब ठीक है पहले। और देवयानी बेटिया अमेरिका में है अपने परिवार के साथ, उसकी अपनी दो बेटियां। कितना जमाना हो गया सबको देखे हुए। तो आप देख रहे ना, सब आ रहे हैं यहाँ। 3 दिन बाद देला और मेरी शादी की 45वीं साल की राय। हाँ पार्वती, हम दोनों बस यही चाहते हैं कि हमारा सारा परिवार फिर से एक हो जाए। क्यों एक नहीं होगा मालकिन, आपके सब बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ पार्वती ये तो है, इसीलिए तो हमारे लिए सब आ रहे हैं यहाँ। पार्वती वो कोने वाला बड़ा सा कमरा है ना, वो परिमल के लिए तैयार कर देना, उसे वो कमरा पहले से ही बहुत पसंद है। और हाँ पलंग पर उसके पसंद की पीले रंग की चादर जरूर बिछा देना। परिमल बाबू के आज आ रहे? नहीं, वो गायत्री और उदय को लेकर कल आएगा, लेकिन निरंजन और रीता आज ही आ रहे। बापूजी ये जो आप संयुक्त परिवार कहते हो, इसमें संयुक्त का मतलब क्या है? संयुक्त जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, संयुक्त। स मतलब साथ में और युक्त मतलब जुड़े हुए, मतलब समझे बेटा? समझ गया बापूजी। जिस परिवार में लोग आपस में जुड़कर साथ में रहते हैं वो परिवार संयुक्त होता है। अरे नहीं 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 बच्चे, बेटियां पैर नहीं छूती। मम्मी पापा कहाँ हैं? अंदर है दादी के साथ। तो चलते हैं मम्मी पापा के पास चलते हैं। ये क्या है, चलो चलो चलो। अरे आप एकदम हनुमान जी जैसे हो दादाजी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। देखो भाई कौन आया है, कौन आया है, देखो 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 देखो।
अच्छे भाई, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ रास्ते में कहाँ होती बाबूजी, वो तो गाड़ी में मेरे साथ बैठी थी। ओए, देवी को तकलीफ कर रहा है परिश्रम कहीं के? अरे पार्वती काकी, भाई आज रात के खाने में हमें आपके हाथ की बनी हुई स्पेशल बैंगन की सब्जी खानी है। जी बिल्कुल। निरंजन बाबू चलिए, आपका सामान आपके रूम में पहुंचा दूं। आते उत्तम। रीटा चले। चलो ठीक। तकलीफ तुम्हारे साथ में गाड़ी में नहीं थी, मगर अब होने वाली है। अरे बेबी मैं तो मजाक कर रहा था। कितनी रौनक आ गई ना घर में, बस बाकी के बच्चे भी आ गए। जी राहुल आ गया है निरंजन के साथ। अच्छा। अपने कमरे में है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। रहने दो, सफर में थक गया होगा, आराम करने दो उसे। हाँ वैसे भी खाने के टेबल पे तो मिले रहे। आओ बेटा बेटा बैठो बैठो। पलक और बिजल नहीं है? नहीं माँ जी, वो लोग बहुत थके हुए थे, मैंने उन्हें दूध पिला के सुला दिया है। और राहुल भी नहीं आया? जी राहुल बाबू ने कहा है कि वो रूम में खाएंगे। मैं बाद में खाएगा? जी ये कोई होटल ले जाओ, उसे रूम सर्विस मिलेगी। कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। आ जाइए शिवलाल काका। दो चार दिन के लिए इसे छोड़ नहीं सकता। राहुल इस घर की एक मर्यादा है, हमारे पुरखों का घर है ये। इस घर में कभी किसी ने ये सब नहीं। आपके पुरखों को भी सच बोलने और सुनने से डर लगता था क्या? कैसा सच? ये क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है? तुम बिना हद करते हो। अरे बाद में सबके साथ खा लेना। देखो मुझे नहीं लगता कि कोई खाने वाला है, और तुम्हें भी अगर भूखा नहीं सोना तो खा लो। एक बार मैं बकवास कर रहा हूं, ठीक है मैं बकवास कर रहा हूं, पर आपको तो पता है ना कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, सब जानते हैं ना। या कहीं मेरी तरह आपने भी थोड़ी सी मैंने आपका नाम ले लिया। I am so so sorry। ये क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? हाँ ड्रामा तो ये कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत का छोटा ड्रामा। क्या सोच रहे थे आप मेरे पूछे बापूजी कि हम सबको यहाँ बुलाकर हम सबके साथ यहाँ दो दिन रहकर क्या लगा था आपको कि आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जो मुझे माफी मांगनी पड़े किसी से। कोई गुनाह नहीं किया, एब्सोल्युटली क्लीन मैन। ये क्या किया आपने? पानी पानी राहुल, ये आंखें क्यों नहीं खुल रहा? डॉक्टर को बुलाइए आप। हाँ डॉक्टर। आपने अपने बेटे के सीने पर बंदूक तान दी, क्या सोच क्या रहे थे आप?